अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है ड्रेस डिज़ाइनिंग पर। कुछ सूट थे जो स्टिच होकर आए, तो मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करूं। तो फुल लुक आपने देख ली है। ये है जी मसूरी के पीसीस थे पैच बनाकर, इसी तरीके से मुझे बने बनाए ये मिले थे। प्लेट्स इनमें ऑलरेडी डली थी और बाजुओं पे जो है ये कट्स डलवा के, तो इसके नीचे जो है मैंने इस तरीके से पैच लगवाया है। ठीक है जी, गला आप देख लें, पाइपिंग लगवा कर कट लगवा के पाइपिंग लगवाई और उसमें जी मैंने बटन लगवा दिए थे। और ट्राउज़र है, ये ट्राउज़र्स पे भी कट लगवा के दो दो प्लेट्स डलवाई हैं। और सेंटर में कपड़े में से ही जो शर्ट का पीस था उसी में से ये सीधे सीधी जो है पट्टियाँ काट के सेंटर में लगवा ली थी। ठीक है जी, लोन के ज़्यादातर ड्रेसिस पे जो है मुझे प्लेन ट्राउज़र पसंद नहीं है। मुझे होता है कि इन पर थोड़ी थोड़ी जो है डिज़ाइनिंग हुई हो। अगर तो थोड़े प्रिंटेड ट्राउज़र्स हों तो फिर मैं नहीं इतना कंसर्न करती। और ये है जिसका दुपट्टा, दुपट्टा भी जो है वो इसका मसूरी का ही है और उस पर इस तरीके से जो है दुपट्टे पे भी मैंने थोड़ी सी लटकने वाली जो है वो लेस लगवा ली है। तो चलें जी एक आपको दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ। ये है जी सेकंड वाला ड्रेस और मेरा ये मोस्ट फेवरेट ब्लैक कलर। तो जी ये देखें, इसको कुछ इस तरीके से स्टिच करवाया है। अच्छा, इसमें थोड़ा वो रेड कलर के फूल थे, तो मेहरून, सॉरी, तो मेहरून कलर की ही सारी जो है ये देखें इस तरीके से मैंने शिटल लेस लगवा ली थी सारे सूट को। और ये थोड़ी सी जो गोल्डन लेस है ये मेरे पास एक्चुअली पहले ही पड़ी हुई थी, इंडियन करके कुछ इसका नाम था लेस का, मेरे जेन से निकल गया, वो भी उसके साथ साथ बॉर्डर मैंने दे दिया था। जो बाजुओं पे लेस लगवाई है ये मुझे बिल्कुल ये पैच के साथ ही लेस जो है बनी बनाई ही ऐसे रेडीमेड ही मुझे मिली थी, और उसके ऊपर जो गोल्डन वाली लेस है वो मैंने लगा ली थी। अभी ये सूट प्रेस होने वाला था लेकिन मैंने इसकी वीडियो बना ली है, जब ये प्रेस होगा तो बिल्कुल अपनी वो शेप में आ जाएगा। और जी यहाँ पे ये नेक लाइन है इसकी, तो इसमें देखें जी दोनों साइड्स पे जो है वो मैंने शिटल लेस लगवाई है। पहले पाइपिंग लगा के गला बनाया गया और फिर उसकी दोनों ऊपर भी वाली साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी जी इस तरीके से राउंड जो है वो शिटल लेस लग गई है। ये है जिसकी फुल लुक। और इसकी जो इस सूट की सबसे चीज़ मुझे पसंद है वो है जी इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। ये है जी इसका दुपट्टा, और इस दुपट्टे को भी जो है वो मैंने लगवाई है जी ब्लैक कलर की, थोड़ी लटकने वाली सीक्वेंस वाली लेस थी और वो लगवाई है मैंने इस तरीके से। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें जी इस तरीके से जो है इस पे छोटे छोटे स्टार्स जो है ना वो लटक रहे हैं, और ये जब दुपट्टा हम कैरी करते हैं तो इस तरीके से बहुत खूबसूरत लगता है। और साथ ही जी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ इसका ट्राउज़र भी। ट्राउज़र इसका ब्लैक कलर में है और ब्लैक के साथ जहाँ पर जो लेसेस हैं ना वो मैंने ब्लैक ही लगवाई हैं, ताकि ये ट्राउज़र जो है अगर कभी मुझे किसी दूसरे ड्रेस के साथ यूज़ करना हो तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं इस पर रेड लेसेस लगवाती हूँ तो मैं सिर्फ इसी ड्रेस के साथ पहन सकती थी। और ये वाला ड्रेस जो है ये तो आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा था जिस दिन हम ले रहे थे। ये देखें इसके जो गला है ना वो बहुत खूबसूरत बना है। ठीक है जी, ये आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये कपड़े के साइड से ही पैच उतरा था जो बाजुओं के आगे लगवा के, और चारों तरफ इसके जो है जी ये शिटल लेस लगवा ली थी। ये मामा का सूट है तो ये भी सिलकर आया था अभी टेलर से, तो मैंने कहा चलें जी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और प्लेन इसका ट्राउजर है और इसका दुपट्टा है। लगवांदी होनियां, और साथ ही साथ जी ये चिकनकारी का फैंसी चिकनकारी का सूट है, ये भी मैंने आपके साथ उस दिन शेयर किया था। तो ये देखें इसकी इस तरीके से नेकलाइन बनी है, बारीक बारीक गोटी वाली जो लेस है वो इस पर लगवाई है। बिल्कुल छोटे छोटे जो उसके समोसा बने होते हैं ना जस्ट वही इसमें से नज़र आ रहे थे, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ जी कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और साथ में ही बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं जी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।